इस बुलेटिन के प्रायोजक है संकट मोचन इंटर कॉलेज करिया बजना सुल्तानपुर जय सिंहपुर तहसील का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। इस बुलेटिन के प्रायोजक है सेमफोर्ड फ्यूचरिक स्कूल सुल्तानपुर का नंबर वन इंग्लिश मीडियम स्कूल। सुल्तानपुर जिले के विश्वनाथ डिग्री कॉलेज कलार में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कानून मंत्री बृजेश पाठक। सरकार की उपलब्धियों और एक देश एक कानून व्यवस्था पर हुई चर्चा। विद्यालय के प्रबंधक भोला सिंह ने जताया आभार। सुल्तानपुर जिले के कलाम महाविद्यालय में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कानून मंत्री बृजेश पाठक का भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष जगजीत सिंह छंगू समेत तमाम पदाधिकारी रहे मौजूद। सुल्तानपुर जिले में कूड़ेभार इलाके में पुलिस ने घेराबंदी कर बाइक सवार बदमाश ध्रुव कुमार दुबे और इनायत नगर के गौरव को किया गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर दो बदमाश हुए फरार। सुल्तानपुर जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र के आभा नर्सिंग होम में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही से मचा हड़कंप। ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट में छोड़ दिया कॉटन। एसपी हिमांशु कुमार के आदेश पर डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने से हड़कंप। आरोपी डॉक्टर की तलाश में जुटी पुलिस। सुल्तानपुर जिले में लमुआ थाना क्षेत्र के चौकिया में पकड़ा गया पटाखे का अवैध जखीरा। पिकअप वाहन से छापेमारी में पटाखा बरामद। पटाखा कारोबारी गैंग के चार सदस्य गिरफ्तार। सुल्तानपुर जिले में अमहट इलाके के रोडवेज बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत। मरने वाले शख्स बब्बन सिंह था, अंकारीपुर का निवासी। सुल्तानपुर जिले में कोतवाली नगर के चुन्हा करौंदिया में दुर्गा पूजा देखने गए तारकेश्वर तिवारी के घर लाखों की चोरी। दीवार फांदकर घर में घुसे चोरों ने नकदी सहित लाखों रुपए के जेवरात पर हाथ किया साफ। सुल्तानपुर जिले के गणपत सहाय महाविद्यालय की जयंती समारोह धूमधाम से मना। कैबिनेट मंत्री जय प्रताप सिंह ने लिया हिस्सा। महाविद्यालय के प्रबंधक ओम प्रकाश भजरंगी ने अतिथियों का जताया आभार। सुल्तानपुर जिले में डॉक्टरों की लापरवाही का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो ने असलियत की पोल खोल दी। इलाज के अभाव में मरीज फर्श पर पड़ा है। इमरजेंसी वार्ड की लापरवाही ने सबको झकझोर दिया है। सुल्तानपुर जिले में दुर्गा पूजा महोत्सव के चरम पर है। रोजाना लाखों की भीड़ जुट रही है। राहुल टॉकीज चौराहे पर मां अष्टभुजी माता पूजा समिति पर समाज सेवी सारथी कसौदन करवा रहे भंडारा। सैकड़ों भक्तों ने भंडारे का प्रसाद किया ग्रहण। अमेठी जिले में अघर थाना क्षेत्र के चतुर्भुजपुर गांव की गुमशुदा किशोरी को पुलिस ने किया बरामद। किशोरी को पुलिस ने परिजनों को सौंपा। अमेठी जिले के कमरौली थाना क्षेत्र के बनभरिया चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने ठेला दुकानदार को मारी टक्कर। ठेला चालक धर्मेंद्र गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। अमेठी जिले में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के जुड़ियापुर की एक महिला का खूनी इश्क। अवैध संबंध के चलते पत्नी ने पति को दिया जहर। पति प्रमोद की इलाज के दौरान मौत। लड्डू में खिलाया था जहर। अयोध्या जिले में इनायत नगर थाना क्षेत्र के शादी का पुरवा पारा ताजपुर से बरामद हुआ विस्फोटक पदार्थ। बड़ी मात्रा में आतिशबाजी और बारूद बरामद। रुस्तम अली उर्फ रंगी लाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बाराबंकी जिले के पुलिस लाइन स्थित सभागार में CCTNS के संबंध में समीक्षा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में अपर पुलिस अधीक्षक समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर CCTNS में नियुक्त कंप्यूटर ऑपरेटर आरक्षी गणों के कार्यों की समीक्षा की गई। कौशाम्बी जिले में मोहब्बतपुर पैसा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली, जबकि दूसरा बदमाश चकमा देकर फरार। घायल बदमाश जुल्फीकार का जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।